हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 35। पिछली सभी क्लासेस आप देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट से जिसका नाम है वोकैबुलरी न्यू 2024। इनकी जो पीडीएफ है, जो स्क्रीन पीडीएफ है, वो प्राप्त कर सकते हैं आशीष क्लासेस टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही लिंक दिया है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां से पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। पेड कोर्स में फिलहाल एक पेड कोर्स चल रहा है एसएससी और सीडीएस के बच्चों के लिए। वहां पे आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ एक साथ मिलेगा। तो वो वाला कोर्स अब समाप्ति की ओर है, पूरा ही कोर्स होने में आया है, वो कोर्स आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोकैब देखिएगा, पिछले क्लासेस की कुछ वर्ड्स हैं। प्रोजेक, इसका ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है प्रोजेक का हमड्रम कह सकते हो, डल कह सकते हो, बोरिंग कह सकते हो, इनसिपिड कह सकते हो। ये सब जो है ये सिनोनिम्स होंगे किसके, प्रोजेक के। नीरस को बोलते हैं, उबाऊ को बोलते हैं। इनक्विजिटिव ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो स्नूपी हो या नोजी हो या क्यूरियस हो, है ना, या इंट्रिग्ड हो, जो बहुत ज्यादा उत्सुक हो कोई चीज सीखने में, उसे हम क्या बोलते हैं, इनक्विजिटिव। स्वर्व जो शब्द है, इसका मतलब होता है डेविएट, या इसको हम कहेंगे चेंज डायरेक्शन, सडनली अचानक से डायरेक्शन चेंज करना। फ्लो स्वर्व वर्ब हो गई, और फ्लो है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिफेक्टिव या इंफीरियर, जो तुच्छ क्वालिटी का हो, इंफीरियर हो, घटिया हो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो। फ्लो का मतलब किस कोई चीज, ये मान लो कि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, है ना, एक प्रकार से उसमें कोई डिफेक्ट है उसमें, ऐसा मान लो इसको। फ्लो का मतलब कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट, ठीक है, उसमें कोई ना कोई क्या है, डिफेक्ट है, या फिर उसमें कोई ना कोई गलती है जो इनकरेक्ट है, इसे कह दीजिए। फिर इसके बाद में शोडी है, शोडी का मतलब होता है घटिया, तो टॉडरी कह सकते हो, इन्फीरियर कह सकते हो, डिफेक्टिव इसका सिनोनिम हो सकता है, है ना, इन्फीरियर, पुअर क्वालिटी का जो चीज हो, ओ पुअर क्वालिटी, शोडी, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। तो ये तो हुआ पिछले क्लासेस के कुछ वर्ड्स जो हमने रिवाइज किए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, और मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये जो सेशन चल रहा है, चार पांच सेशन ये हो चुके हैं, उसमें हम कॉमन एरर्स भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ में वोकैब भी डिस्कस कर रहे हैं। आपको सेंटेंस में पहले तो बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है, मतलब कौन सा शब्द गलत दे दिया, या ग्रामर का ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, है ना, वो देखना है। उसके बाद में वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो वर्ड हमें डिस्कस करना है वो है करिज्मा। ये नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद दे रखा है। अब आप देखिए कि इसमें गलती क्या है। टू बी अ ग्रेट लीडर, अ पर्सन हैज टू हैड सम करिज्मा। एक बार गलती देख लीजिए, उसके बाद में इस वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। देखो यहां पे गलती ये है कि टू के साथ में बेस फॉर्म चाहिए, और टू के साथ बेस फॉर्म चाहिए तो यहां हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। ठीक है, करिज्मा का मतलब होता है अपील, या इसे कहेंगे अल्योर, या इसे कहेंगे अट्रैक्शन। हिंदी में इसको कह सकते हैं आकर्षण, क्या कह सकते हैं, आकर्षण। अपील कह दो, अल्योर कह दो, अट्रैक्शन कह दो। टू बी ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता होने के लिए अ पर्सन हैज टू हैव, किसी व्यक्ति को रखना पड़ेगा सम करिज्मा, कुछ ना कुछ आकर्षण। ठीक है, तो ये पहले शब्द का मतलब हुआ। दूसरा शब्द हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे जो वर्ड हमें डिस्कस करना है वह है स्पैन। पहले आप इस सेंटेंस को पढ़िए, इसकी वर्ड कैटेगरी वर्ब है क्योंकि ईडी लगा रखा है, सब्जेक्ट इसका ही एक्टिंग करियर दे रखा है। देखो देखिए क्या गलती है इसमें। ठीक है, देखो कोई गलती नहीं है इसमें, ये जो सेंटेंस है नो एरर वाला सेंटेंस है। एक्सटेंड जो ये जो स्पैन है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्सटेंड करना, या इसका मतलब होता है स्ट्रेच, फैलना, कवर करना भी बोलते हैं, फैलना,
किसी लेंथ तक जाना, कोई भी समय है उसकी लेंथ तक जाना, कोई दूरी है उसकी लेंथ तक जाना, ये इसका क्या मतलब होता है, स्पैन का मतलब है। तो एक्सटेंड, स्ट्रेच, कवर, है ना, फैलना, फैलने के लिए स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन हुआ, हिज एक्टिंग करियर स्पेंड 30 years, उसका एक्टिंग करियर जो था, अभिनय का जो उसका करियर था, वो कहां तक चला, 30 वर्षों तक चला, इतना फैला हुआ था करियर। तो एक्सटेंड, स्ट्रेच, कवर या स्प्रेड। तीसरे शब्द को हम डिस्कस करेंगे, थर्ड शब्द है प्रपेल, PROPEL, ये वर्ब है, ED लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म दे रखी है। अब देखो, देखिए प्रपेल का मीनिंग देखेंगे, नहीं पहले आप देखो सेंटेंस में क्या एरर है। सेल्फ बिलीफ प्रपेल्ड हिम फ्रॉम स्टोर क्लर्क टू फाउंडर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ रेस्टोरेंट्स। यहां दोस्तों गलती इस बात की है कि स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज, और ये सीरीज है वो काउंटेबल है इसका, हालांकि प्लुरल भी सीरीज ही होता है, लेकिन स्ट्रिंग का स्ट्रिंग्स बनता है अ स्ट्रिंग, है ना, एक सीरीज रेस्टोरेंट्स की। प्रपेल का मतलब क्या है वो बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये नोट कर लो कि स्ट्रिंग का यहाँ पे काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इस कारण से यहाँ पे ए लगाया गया है। क्या मतलब है, इस पर कह सकते हो, प्रॉम्प्ट कह सकते हो, हिंदी में इसको कहेंगे प्रेरित करना, प्रेरित करना। क्या मतलब हुआ, सेल्फ बिलीफ मतलब आत्मविश्वास, उसने उसे प्रपेल किया, उसने उसे प्रेरित किया क्या करने के लिए, पहले वो स्टोर क्लर्क था, अब वो रेस्टोरेंट्स की एक चैन उसने खोल दी है, उसके फाउंडर वो बन गया है, है ना, तो सेल्फ बिलीफ उसमें था, उसी से ये प्रेरित हुआ है, प्रपेल हुआ है, स्पर या प्रॉम्प्ट इसका मतलब है। फोर्थ वर्ड है इसमें डॉग शब्द का मतलब हमें देखना है, डॉग वैसे तो डॉग एनिमल का नेम है, लेकिन यहां वर्ब है ये, तो अलग मीनिंग इसका निकलेगा, क्योंकि ईडी दे रखा है डॉग्ड। देखा ईडी देखकर भी वैसे निर्णय मत लिया करो कि ये वर्ब ही है, कई बार हो सकता है नाउन से पहले ईडी हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन यहां तो वर्ब इसलिए है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो इसका सब्जेक्ट है, डॉग। देखो यहां पे एरर है, आउटसेट से पहले द लगेगा, द आउटसेट, कभी आप इसको सर्च भी करो गूगल पे तो इसका द आउटसेट ही मिलेगा, इसका मतलब होता है द बिगिनिंग, बिगिनिंग से पहले हमेशा द आता ही है, बिगिनिंग से पहले, मिडल से पहले, एंड से पहले हमेशा द लगता है, तो द तो लगेगा आउटसेट से पहले भी यहां पे, तो द आउटसेट। अब ये आउटसेट का मतलब होता है स्टार्ट, है ना, बिगिनिंग हो गया, एक तो मीनिंग ये समझ लिया आपने। एक डॉग का मतलब प्लेग, डॉग का मतलब क्या है, प्लेग, या इसे कहेंगे टॉर्मेंट, या इसे कहेंगे ट्रबल, मतलब परेशान करना होता है। हिंदी में क्या बोलोगे, परेशान करना, प्लेग, टॉर्मेंट या ट्रबल, डॉग परेशान करना। क्या कहना चाह रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जो तकनीकी समस्याएं हैं, उसने हमारी ट्रिप को थोड़ा सा क्या कर दिया, थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर दिया, है ना, मुसीबत में डाल दिया। फ्रॉम आउटसेट मतलब शुरू से ही, शुरू से ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारी ट्रिप को, हमारी यात्रा को परेशानी में डाल दिया। फिफ्थ वर्ड हम पढ़ेंगे, यहां पे आपको देखना है फ्लैश, क्रिया है, क्योंकि ही सब्जेक्ट दे रखा है इसका। देखो देखिए एरर किस पार्ट में है, ही फ्लैश्ड हिज ऑफिशियल कार्ड एंड मैनेज्ड टू गेट होल्ड ऑफ अ सोल्जर टू गार्ड्स द लैंड रोवर। क्या गलती है, गलती ये है कि भाई गार्ड्स टू के साथ तो बेस फॉर्म आएगी, तो गार्ड होगा, गार्ड्स नहीं होगा, ये यहां पे एरर वाला पार्ट है, टू के साथ बेस्ट फॉर्म चाहिए। आपको बताना है फ्लैश का मतलब क्या है, तो फ्लैश का मतलब दिखाना होता है, शो हो सकता है, एग्जिबिट हो सकता है, या इसका मतलब हो सकता है डिस्प्ले, प्रदर्शन करना या दिखाना, दिखाना, शो, एग्जिबिट या डिस्प्ले। ही फ्लैश्ड हिज ऑफिशियल कार्ड, उसने अपना ऑफिशियल कार्ड दिखाया, जल्दी से दिखाना फिर वापस डाल देना जेब में, है ना, उसने अपना ऑफिशियल कार्ड दिखाया और उसने जैसे जैसे करके मैनेज कर लिया कि वो एक सोल्जर यहां पे सोल्जर का होल्ड रख सके कि ताकि वो लैंड रोवर गाड़ी है उसको वो सुरक्षा कर सके, ऑफिशियल कार्ड दिखाया तो वही इसको सोल्जर मिल गया ताकि गाड़ी की उसको सुरक्षा हो सके, ये इसका मतलब है, शो, एग्जिबिट या डिस्प्ले। अगला शब्द है इंट्रीग, इंट्रीग जो है वो नाउन है, क्योंकि एस जोड़ रखा है, वैसे पॉलिटिकल है वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, तो ये नाउन हुआ, प्लुरल दे रखा है इसलिए। इसका देखो क्या इसमें एरर है, द फिल्म इज अबाउट पॉलिटिकल इंट्रिग्स फॉर द गवर्नमेंट, द फिल्म इज अबाउट
पॉलिटिकल इंट्रीग्स फॉर द गवर्नमेंट। तो यहां पे गलती ये है कि भी इंट्रीग होता है षड्यंत्र। अब षड्यंत्र होता है किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ होता है तो यहां पे आएगा अगेंस्ट, है ना। इंट्रीग का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, या इसे कहेंगे प्लॉट, हिंदी में इसको बोलेंगे षड्यंत्र। षड्यंत्र को हम क्या बोलते हैं? इंट्रीग, कॉन्स्पिरेसी या प्लॉट। तो जो फिल्म है वो किस बारे में है? राजनीतिक षड्यंत्र के बारे में है। और षड्यंत्र किसके खिलाफ रचा गया? गवर्नमेंट के खिलाफ था, तो अगेंस्ट वहां पे लगना चाहिए था। अगला शब्द है आई हैव बीन एडवाइज दैट कीप द स्टोरी अंडर रैप्स। अंडर रैप्स, किस वर्ड को देखना है? कीप अंडर रैप्स कह सकते हो, इसको हमें देखना है। तो कीप अंडर द रैप्स, ये एक idiom है, फ्रेज है, मतलब कीप अंडर द रैप्स। idiom बोल दो, फ्रेज बोल दो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए पहले एरर देखो उसके बाद में इसमें मीनिंग देखेंगे इसका। आई हैव बीन एडवाइज्ड दैट कीप द स्टोरी अंडर रैप्स, क्या बनेगा? देखो यहां पे एडवाइज्ड है ना, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है और इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टर है वो टू लगता है, दैट नहीं लगता है, इसलिए यहां पे दैट गलत है, टू आना चाहिए। क्या होगा इसका? टू कीप समथिंग सीक्रेट, टू कीप सीक्रेट, है ना, मतलब छुपा के रखना। क्या बोलेंगे? छिपा के रखना। और क्या इसका एरर, मतलब इसमें सेंटेंस क्या हुआ? कीप द स्टोरी अंडर रैप्स, रैप्स है ना, रैप रैपर को बोलते हैं। अब रैपर होता कागज होता है, अब कागज जैसे आपने रैपर लगा लिया है तो उसके नीचे छिपा दिया आपने कागज के नीचे, ऐसे ये बना हुआ है। आई हैव बीन एडवाइज, तो मुझे सलाह दी गई टू कीप द स्टोरी अंडर रैप्स, कि मैं कहानी को छिपा कर रखूं, ये मतलब है। नेक्स्ट शब्द है आउटवे, आउटवे। पहले इसमें आप देखो कि क्या इसमें एरर है, उसके बाद में इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे। तो आउटवे में एरर देखो पहले, तो देखो आउटवे इसमें एरर ये है सेंटेंस में कि एडवांटेजेस जो है प्लूरल है, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो ये भी प्लूरल होनी चाहिए, वर्ब भी, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के हिसाब से, तो एस हटेगा। आउटवे का मतलब होता है एक्लिप्स, या इसका मतलब होता है सरपास, या इसका मतलब होता है आउटडू, मतलब आगे निकल जाना। क्या मतलब है? आगे निकल जाना। क्या कहना चाह रहा है? द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, लाभ जो है वो हानियों से ज्यादा हैं, है ना, आगे निकल रहे हैं, लाभ ज्यादा है, हानियां कम है। फिर है द कंपनी फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन नेसेंट स्टेजेस, नेसेंट को देखना है, नेसेंट एडजेक्टिव है क्योंकि स्टेजेस यहां पे नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। आप देखो सेंटेंस में क्या एरर है, द कंपनी फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन हिज नेसेंट स्टेजेस, एरर क्या है? देखो एरर यह है कि कंपनी के लिए हिज दे रखा है, जबकि कंपनी के लिए क्या आना चाहिए था? इट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग, शुरुआत, शुरुआती कह सकते हो, शुरुआती। तो कंपनी ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया अपने शुरुआती चरण में, शुरुआती स्टेजेस में, ये इसका मतलब है। और एक अंतिम शब्द देखेंगे आउस्ट, आउस्ट की वर्ड कैटेगरी वर्ब है क्योंकि टू के साथ दे रखा है, बेस फॉर्म है। पहले एरर निकालिए, द स्कूल बोर्ड वॉज वॉटेड टू आउस्ट द स्कूल सुपरिंटेंडेंट। देखो इसमें गलती ये है कि स्कूल बोर्ड सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसने क्या किया है? स्कूल सुपरिंटेंडेंट को बाहर निकालने के लिए वोट दिया है। पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। जब काम करने वाला पहले होता है तो वो एक्टिव होता है, एक्टिव है तो ये वॉज हटेगा, ये बी के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव बना रहा है। इसका मतलब होता है एक्सपेल, या इसका मतलब होता है फोर्स आउट, हिंदी में इसको बोलेंगे बाहर निकालना, बाहर निकालना। क्या ट्रांसलेशन हुआ? द स्कूल बोर्ड वॉटेड टू आउस द स्कूल सुपरिंटेंडेंट, स्कूल बोर्ड जो है उसने वोट दिया क्या करने के लिए? स्कूल के अधीक्षक को बाहर निकालने के लिए वोटिंग की, ठीक है। ये था आज के सेशन में, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट है वो एडजेक्टिव है, डल, बोरिंग, हमड्रम, है ना,
कॉमन प्लेस, इंसिपिड सब होते हैं. इंक्विजिटिव एडजेक्टिव है, क्यूरियस होता है, इंट्रीग्ड होता है, स्नोपी नोजी. स्वर्व है वो वर्ब है, इसका मतलब है चेंज डायरेक्शन सडनली, डेविएट. फ्लो है वो डिफेक्ट को बोलते हैं या इनकरेक्ट थिंग्स को बोलते हैं, जो गलत है त्रुटिपूर्ण है उसको बोलेंगे. शोडी है वो घटिया है, तो इन्फीरियर और पुअर क्वालिटीज है ना, ये होता है शोडी. टॉड्री भी होता है इसका सिनोनिम. फिर अगले में आइए, फिर इसमें बता रखा है कि भाई करिश्मा, करिश्मा एक नाउन है, इसका मतलब है अपील, अट्रैक्शन है ना, अपील हो, अट्रैक्शन हो, इसको बोलते हैं आकर्षण. आकर्षण को क्या बोलते हैं? करिश्मा. फिर नेक्स्ट वर्ड है स्पेन. स्पेन का एक्सटेंड है, कवर है, स्प्रेड है, फैलना, वर्ब है. फिर नेक्स्ट शब्द प्रपेल. प्रपेल का स्पर या एनकरेज कह सकते हो, है ना, प्रेरित करना बोल सकते हो. और फिर अगला शब्द डॉग, ये प्लेग, टॉर्मेंट या ट्रबल, मुसीबत में डालना है, वर्ब है. नेक्स्ट शब्द था फ्लैश. फ्लैश का शो, एग्जिबिट या डिस्प्ले, दिखाना है, वर्ब है. नेक्स्ट शब्द है इंट्रीग, ये नाउन है. कॉन्स्पिरेसी या प्लॉट होता है, षड्यंत्र. अगला शब्द है कीप द, कीप अंडर रैप्स, ये होता है कीप समथिंग सीक्रेट, किसी चीज को सीक्रेट बना के रखना, छिपा के रखना, इडियम है. फिर है आउटवे. आउटवे का आउटशाइन होता है, आउटडू होता है ना, या एक्लिप्स होता है, सरपास होता है, आगे निकल जाना. फिर नेक्स्ट शब्द है नेसेंट. नेसेंट का स्टार्टिंग या बिगिनिंग होता है, शुरुआती, एडजेक्टिव है. और फिर नेक्स्ट शब्द है आउस्ट. आउस्ट का फोर्स आउट या एक्सपेल है, बाहर निकालना है. ये था आज के इस सेशन में. मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में ठीक शाम 5:30 बजे. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू वेरी मच.